समाजवादी शेर चले हैं, अरे समाजवादी शेर चले हैं, संघर्षों की सवारी में आज भी जिंदा है नेताजी। कीर्ति जिनकी कायम है इस देश के लिए। सोदा जी के अंगना बाजे बधैया यशोदा जी के अंगना। देखिए उनके सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। मन मोहे अधरन की लाली, अखिया कारी भोली भाई। अरे वादा से ज्यादा विकास करके कर लो याद, कर लो याद, ये है जिला इलाहाबाद। आज 1 जुलाई है और आज अखिलेश यादव का 51वां जन्मदिवस प्रयागराज में मनाया जा रहा है। प्रयागराज के परेड ग्राउंड में आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं कि तमाम समाजवादी पार्टी के जो झंडे लगे हैं, एक चित्रांकन प्रस्तुत किया गया है। इसमें अखिलेश यादव को चित्रों को प्रदर्शित किया गया है। हम ड्रोन व्यू के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि आखिरकार वो किस प्रकार, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का पूरा जो चित्र है वो प्रदर्शित होकर के आएगा इस झंडे के माध्यम से। फिलहाल यहाँ पर सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे हम लोग थोड़ा गीत भी सुनेंगे और आगामी भविष्य के 2027 का विधानसभा का चुनाव को लेकर भी कुछ चर्चा होगा। बहुत बहुत स्वागत है सर चैनल पर आपका, बहुत बहुत बधाई शुभकामना। और आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी और कन्नौज के सांसद बड़े भैया आदरणीय अखिलेश यादव जी का आज 51 साल के हो गए जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई शुभकामना। और उसी पर हम परिचय आपका जानना चाहेंगे। परिचय, मैं अभयराज यादव सागर, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ समाजवादी जिला अध्यक्ष प्रयागराज। चलिए कहीं ना कहीं जब सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के हैं तो थोड़ा सा एक दो गीत तो हो ही जाना चाहिए उनके जन्मदिवस के अवसर। बिल्कुल, आज जन्मदिन है और सभी माताएं बहनें आज खूब सोहर गा रही, हर जगह गीत हो रही हैं, इसलिए कहना है यशोदा जी के अंगना बाजे बधैया, यशोदा जी के अंगना बाजे बधैया, माई मालती देवी खुशियां मनावई, अपने ललनवा के टीका लगावई, अरे पिता मुलायम जी के ले बलैया, यशोदा जी के अंगना बाजे बधैया, यशोदा जी के अंगना। आज उनकी माँ मालती देवी स्वर्ग से खुश हैं कि मैं जिस पुत्र को जन्म दी हूँ वो मेरा पुत्र मेरा लाल कितना महान है। और बाबू मुलायम सिंह जी स्वर्ग से देख रहे हैं कि मेरा लाल जिस प्रकार से मैं सोचा था उसी प्रकार से मेरा लाल भी है। इसलिए कहना है कि भैया अखिलेश जब सयान भइले, उच्च शिक्षा खूब कइले, डिंपल भाभी जी से लागल सनहिया, यशोदा जी के अंगना बाजे बधैया, यशोदा जी के अंगना। बहुत बहुत सुंदर। जब किसी के घर में कोई बेटा पैदा होता है तो कुछ इसी तरह के गीत गाए जाते हैं। थोड़ा सा एक लोग और हमारे साथ सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की जुड़ी हुई है, थोड़ा सा इनसे भी बात करने का प्रयास किया। परिचय क्या हुआ मैम आपका? मैं गायिका रीनू रोशनी, समाजवादी पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष। थोड़ा सा जब जिस प्रकार का अखिलेश यादव का जन्मदिवस है, कहीं ना कहीं जब इस बार 37 सीट जीत करके आए हैं लोकसभा में, तो समाजवादी पार्टी के जो समान कार्यकर्ता हैं उनमें जोश भी भर गया है, तो थोड़ा सा हम चाहेंगे उन पर कोई एक गीत हो ही जाना चाहिए। जी जरूर। और चैनल के माध्यम से मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी बड़े भैया को जन्मदिन की बहुत सारी बधाई देते हुए एक गीत है। जब भैया पैदा हुए कल्पना कर रहे हैं तो नाम माता जी का मालती देवी था, नेताजी का नाम तो आप लोग जान ही रहे हैं। तो जब भैया बेकैया चल रहे थे तो माता जी मालती देवी नेताजी से कहती हैं, क्या कहती हैं, मालती कहीं नेताजी से हंसी के पड़ी के पाइया हो गो सैया, लाल मोर चले बेकैया ना। कितनी खुश हैं, और खुश इसलिए हैं कि आज उनके घर में एक लाल पैदा हुआ है और वही लाल जो उत्तर प्रदेश का सीएम बना है। और 2027 में उनका पूरा उत्तर प्रदेश इंतजार कर रहा है। एक लाइन और कहना है,
मन मोहे अधरन की लाली। देखिए उनके सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। मन मोहे अधरन की लाली, अखिया कारी भोली भाली, अखिया कारी भोली भाली, लट खुले जैसे बदरी कारी, पग घुंघरू बांधे हरी नाचे, ताता थाइया हो गोसैया, लाल मोर चले बेकैया ना। चलिए, जब बकैया यानी कि जब पैर पर खड़े होने से पहले का जो क्रम होता है वही बकैया चलने का जो क्रम है उसी पर इन्होंने एक गीत सुनाया है। तो जब आप 2027 की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा एकाक दो राजनीतिक गीत भी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2027 आने वाला है और मैं अपने सभी नौजवान साथियों से यही कहना चाहती हूँ कि अभी से वो लग जाएं। अगर अभी से नहीं लगेंगे तो हम लोग तब नहीं कर पाएंगे। अभी से अगर लगेंगे तो 2027 दूर नहीं, अखिलेश यादव जी की सरकार आएगी, ये 101% मैं बता रही हूँ। क्योंकि जो नतीजा 2024 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने 37 सीट जीत कर दी है, विरोधियों को वहाँ पे तमाचा मारा है, ये संकेत है 2027 का। इसलिए कहना है, समाजवादी शेर चले हैं, अरे समाजवादी शेर चले हैं संघर्षों की सवारी में, अरे संघर्षों की सवारी में जुटे हैं हम सब इसी जोश में, 27 की तैयारी में जुटे हैं हम सब इसी जोश में, 27 की तैयारी में। चलिए, क्या बात है। और भी थोड़ा एक दो गीत हो जो आपके कुछ प्रचलित गीत हो उसको भी सुना दीजिए हमारे जो आपके दर्शक देख रहे हैं। कोई अखिलेश कहने वाला नहीं, बहुत सरकारें आईं और बहुत सरकारें गईं, लेकिन अगर इतिहास में नाम लिखा जाएगा तो आदरणीय हमारे पूर्व सीएम साहब अखिलेश यादव जी के बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा। क्योंकि करोड़ों दिलों की धड़कन है वो, नौजवानों के साथी हैं वो, माताओं बहनों के साथी हैं वो। जो सरकार ये नहीं कर पाई वो हमारे पूर्व सीएम साहब ने किया था। विद्या कन्यादान दिया था, आप लोग जानते हैं, लैपटॉप दिए थे पढ़ाई का जरिया, जो बच्चे गांव में थे वो जाने कि लैपटॉप होता क्या है, इनके जरिए पढ़े। लेकिन आज ये सरकार क्या कर रही है आप लोग जान ही रहे। लेकिन गीत पे, कोई अखिलेश कहने वाला नहीं, अरे वादा से ज्यादा विकास करके, अरे वादा से ज्यादा विकास करके, अरे कोई दिखाने वाला नहीं रे, कोई अखिलेश कहने वाला नहीं। पुलई से कूले सड़क बनवाए, घर घर में वो एम्बुलेंस चलवाए। आज जो एम्बुलेंस की देन है वो आदरणीय अखिलेश यादव जी हमारे पूर्व सीएम साहब की देन है। किसान बीमा, जो किसान मरता था 5 लाख बीमा किसानों को मिलता था, वो आदरणीय अखिलेश यादव जी की देन है। कहना है, पुलई से कूले सड़क बनवाए, घर घर में वो एम्बुलेंस चलवाए। एक ऐतिहासिक काम जो कोई ना कर सका वो हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया। फाइटर विमान सड़क के ऊपर, अरे फाइटर विमान सड़क के ऊपर, अरे कोई उड़ाने वाला नहीं रे, कोई अखिलेश कहने वाला नहीं, कोई अखिलेश कहने वाला नहीं। चले, समाजवादी पार्टी की बात हो रही है, अखिलेश यादव की बात हो रही है, तो नेताजी का नाम ना है तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो हम लोग चाहेंगे थोड़ा सा नेताजी के ऊपर भी कोई गीत हो आपके तो उसको भी आप सुनाइए। आदरणीय श्रद्धेय स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी को मैं नमन करती हूँ, सच्ची श्रद्धांजलि देती हूँ। और आज स्वर्ग से देख रहे हैं अपने पुत्र को, बहुत खुश हैं कि आज हमारा पुत्र जन जन के दिलों में वास कर रहा है और पिछड़ों को दलितों का साथ दे रहा है। आज उन्हीं की देन है।
जो संविधान कायम है, और कहा जाए तो संविधान के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। तो एक लाइन कहना है, आज भी जिंदा है नेताजी, कीर्ति जिनकी कायम है। आज भी जिंदा है नेताजी, कीर्ति जिनकी कायम है। इस देश के लिए तो, इस देश के लिए तो अखिलेश ही मुलायम है। इस देश के लिए तो अखिलेश ही मुलायम है। इस देश के लिए तो दो पुत्र हुए धरती पर, मैं गीत के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहती हूँ। दो ही पुत्र हुए धरती पर और रहेंगे कायम। दो ही पुत्र हुए धरती पर और रहेंगे कायम। कौन कौन? गंगा पुत्र भीष्म के बाद, एक गंगा पुत्र भीष्म दादा थे, गंगा पुत्र भीष्म के बाद धरती पुत्र मुलायम। गंगा पुत्र भीष्म के बाद धरती पुत्र मुलायम। झुके जहां सम्मान से सर, वो स्वाभिमान अभी कायम है। वो स्वाभिमान अभी कायम है। इस देश के लिए तो, इस देश के लिए तो अखिलेश ही मुलायम है। इस देश के लिए तो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कितना शानदार इन्होंने गीत प्रस्तुत किया। इनके गीतों के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जब राजनीति की बात हो ही रही है और चुनाव भी नज़दीक ही है, तो हम चाहेंगे थोड़ा सा एक दो गीत जो है कि आप भी राजनीति का सुनाई दीजिए हमारे दर्शकों को। बात उस समय की है जिस समय फूलन देवी जेल में थी और कोई छुड़ाने वाला नहीं था। जेल में बैठ करके सोच रहे कि जब शायद मेरी ज़िंदगी इसी जेल में बीत जाए और कोई मुझे छुड़ाने वाला नहीं है। द्वापर में मैं सुनी थी कि जब द्रौपदी की चीर खींची जा रही थी तो कोई कन्हैया आया था, लेकिन इस कलयुग में कोई हमको बचाने वाला नहीं। पता नहीं कहाँ से जेल से आवाज़ नेताजी के कानों तक पहुँची, और जब जेल से नेताजी फूलन देवी को छुड़ा करके लाए तो फूलन देवी के एक मुख से आवाज़ आई और बहुत दर्दनाक आवाज थी। क्या? इतनी बड़ी दुनिया में, फूलन देवी ने आवाज दिया मंच से, मिर्जापुर जब सांसद का टिकट मिला तब, कि इतनी बड़ी दुनिया में मिलल के हुआ पना, पूरा कैले मुलायम सिंह सपना। अरे इतनी बड़ी दुनिया में, इतनी बड़ी दुनिया में मिलल के हुआ पना, पूरा की हले मुलायम सिंह सपना। जब आप चाह रहे हैं तो हम सुना ही दे रहे हैं। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, डिंपल भाभी जिंदाबाद। कर लो याद, कर लो याद, ये है जिला इलाहाबाद। कर लो याद, कर लो याद, ये है जिला इलाहाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। तो नाम परिवर्तन करके प्रयागराज कर दिया गया है। प्रयागराज तो कर दिया गया, लेकिन जब भैया हमारे सीएम थे तब तो इलाहाबाद था ना, तो ये उस समय की गीत में हमने बनाया था। अब की चेंज होंगे यहाँ के उत्तर प्रदेश के सीएम, क्योंकि हमारे अब आएंगे आदरणीय अखिलेश यादव जी। चलिए फिलहाल देखिए आज 51वां उनका जन्मदिवस मनाया जा रहा है अखिलेश यादव का प्रयागराज में। हम लोग उसी परेड ग्राउंड पर थे और पीछे आप देख पा रहे हैं कि तमाम झंडे, लगभग 5100 झंडों से उनके चित्र को प्रदर्शित करने का एक प्रयास किया गया, उसको हम ड्रोन व्यू के माध्यम से आपको दिखाएंगे। चलिए ऐसे ही तमाम राजनीतिक जो सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के लोग हैं, हम ऐसे मुलाकात आपको पहले आगे भी कराते रहेंगे और ऐसे ही गीतों को आप तक पहुँचाते रहेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।